नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द मैकेनिकल एजुकेटर्स में। तो दोस्तों, आज के ये वीडियो में हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में पावर स्टीयरिंग को कवर करने वाले हैं और पावर स्टीयरिंग की क्या महत्व है, यानी कि कुछ पावर स्टीयरिंग के हम फंक्शंस देखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद में हम हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग के बारे में भी सीखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग के बारे में भी सीखेंगे। परंतु दोस्तों, ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो लेक्चर यानी कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का जो हिंदी का प्लेलिस्ट है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, तो अभी तक आपने वो जो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पर आप आई बटन में क्लिक करके भी उसे देख सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट सीखेंगे फंक्शंस ऑफ पावर स्टीयरिंग, यानी कि पावर स्टीयरिंग की हमें किसी भी ऑटोमोबाइल व्हीकल में ज़रूरत क्या है, क्यों हमें पावर स्टीयरिंग का यूज़ करना चाहिए। तो इन मॉडर्न ऑटोमोबाइल व्हीकल्स टू रिड्यूस द ड्राइविंग फटीग एंड टू रिड्यूस द स्टीयरिंग एफर्ट पावर असिस्टेड स्टीयरिंग सिस्टम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। यानी कि जब हम बात करते हैं आज से 20 साल पहले की, तो 20 साल पहले जो है वो जनरली मैनुअल स्टीयरिंग सिस्टम यूज़ की जाती थी किसी भी ऑटोमोबाइल व्हीकल में। यानी कि अगर हम मॉडर्न मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो वो अभी पावर स्टीयरिंग देने लगे हैं किसी भी, यानी कि छोटी से छोटी गाड़ी में भी अब पावर स्टीयरिंग उपलब्ध किया जाने लगा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्यों जो है वो मैन्युफैक्चरर्स पावर स्टीयरिंग दे रहे हैं, क्योंकि एक तो फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो है ड्राइवर का फटीग, यानी कि जब भी कोई ऑटोमोबाइल व्हीकल ज़्यादा समय तक चलाता है तो उसे फटीक नहीं आना चाहिए चलाते चलाते, यानी कि जो कंफर्ट लेवल है उसका वो इंक्रीज होना चाहिए। उसके बाद में देखेंगे कि स्टीयरिंग का जो एफर्ट है, यानी कि अब हम बात करेंगे ट्रक्स की बसेस की, तो उसमें अगर हम पावर स्टीयरिंग नहीं देंगे तो जो स्टीयरिंग करने के लिए जो एफर्ट लगता है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो उसको रिड्यूस करने के लिए, यानी कि स्टीयरिंग एफर्ट को रिड्यूस करने के लिए हमें जो है वो पावर स्टीयरिंग की मदद लेनी पड़ती है। उसके बाद में अगर सेकंड पॉइंट रीड करते हैं तो पावर असिस्टेड स्टीयरिंग मैकेनिज्म जनरली यूजेज द कंप्रेस्ड एयर इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म एंड हाइड्रोलिक प्रेशर। यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि स्टीयरिंग एफर्ट को हमें रिड्यूस करना है, तो वो कैसे होगा, अपने आप तो होगा ही नहीं। तो उसे रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं कि क्या या तो फिर न्यूमेटिक सिस्टम, यानी कि हम कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम यानी कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं, या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम यानी कि हम हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा जो है वो स्टीयरिंग का एफर्ट हमें रिड्यूस देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पावर असिस्टेड स्टीयरिंग सिस्टम जनरली ऑपरेटेड बाय हाइड्रोलिक प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय ड्राइविंग पंप। यहाँ पर जो जनरली अभी ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में यूज़ किया जाने वाला मोस्ट कॉमनली पावर असिस्टेड स्टीयरिंग सिस्टम है वो है हाइड्रोलिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग सिस्टम। यानी कि जो हाइड्रोलिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग सिस्टम में स्टीयरिंग एफर्ट रिड्यूस करने का काम कौन करता है, हाइड्रोलिक प्रेशर करता है, वो जो ड्राइविंग पंप के द्वारा जनरेट होगा। यहाँ पर अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, एनी हाउ पावर असिस्टेड स्टीयरिंग सिस्टम फेल्स देन द ड्राइवर कैन ऑपरेट द व्हीकल बाय मैन्युअल स्टीयरिंग सिस्टम। यहाँ पर अगर कोई भी कारणों से आपका पावर स्टीयरिंग सिस्टम फेल हो जाता है तो क्या होगा कि ड्राइवर जो है वो अपनी विलिंग के अनुसार यानी कि मैन्युअल ऑपरेशन भी कर सकता है स्टीयरिंग का। यहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि अगर एक बार आपका पावर स्टीयरिंग सिस्टम फेल हो गया तो आप जो है वो कार को स्टीयर नहीं कर सकते, परंतु क्या करना होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्टीयरिंग एफर्ट लगाना होगा वहाँ पर। यहाँ पर ये जो फिगर है वो है EPSC कंपनी द्वारा जो स्टीयरिंग कॉलम आता है उसकी फिगर मैंने यहाँ पर आपके लिए डाल दी है, तो आप रेफरेंस के तौर पे उसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, फंक्शंस ऑफ पावर स्टीयरिंग समझने के बाद जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले जो दो पावर स्टीयरिंग सिस्टम है, यानी कि हाइड्रोलिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग सिस्टम, आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो फर्स्ट हम सीखेंगे हाइड्रोलिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में। हाइड्रोलिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग सिस्टम का फर्स्ट हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे, उसके बाद में कुछ मैं IMP पॉइंट्स आपको कहूंगा और उसके बाद में हम वर्किंग जो है वो उसका देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है हाइड्रोलिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग सिस्टम का, ये आप यहाँ पर दिखाई गई सरल ब्लॉक डायग्राम में देख सकते हैं। तो आइए सिंपल ब्लॉक डायग्राम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड की ओर जो है वो इग्निशन की, और इग्निशन की के साथ जो दो कनेक्शंस होते हैं उसमें से फर्स्ट जो कनेक्शन है वो बैटरी के साथ दिया जाता है और सेकंड कनेक्शन जो है वो पावर स्टीयरिंग सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ होता है। और पावर स्टीयरिंग सिस्टम यानी कि जो यह एक प्रकार का ECU है पावर स्टीयरिंग का, वो जो है वो इंजन के साथ कनेक्टेड होगा, यानी कि पावर असिस्टेड स्टीयरिंग सिस्टम का जो ECU है वो इंजन के साथ कनेक्टेड होगा, और इंजन के साथ पावर स्टीयरिंग पंप कनेक्टेड होता है थ्रू बेल्ट एंड पुलिस। यहाँ पर पावर स्टीयरिंग पंप जो है वो मैक्सिमम कितना प्रेशर प्रोड्यूस कर पाता है वो उसकी वैल्यू जो है यहाँ पर मैंने दी गई है 14,000 किलो पास्कल जितना प्रेशर जो है वो
वो पावर स्टीयरिंग पंप प्रोड्यूस कर लेता है। यहाँ पर अगर हम ब्लॉक डायग्राम में आगे बढ़े तो उसके बाद में पावर स्टीयरिंग पंप जो है उसका एक कनेक्शन जो है यानी कि एक इनपुट जो है वो डायरेक्टली फ्लूइड रिजर्वोयर में कनेक्टेड होता है, और फ्लूइड रिजर्वोयर जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है फ्लूइड प्रेशर कंट्रोल वाल्व, यानी कि फ्लूइड प्रेशर का यहाँ पर जो कंट्रोल वाल्व है वो स्टीयरिंग कॉलम के ऊपर माउंटेड रहता है, और स्टीयरिंग कॉलम के ऊपर माउंटेड हुआ ये फ्लूइड प्रेशर कंट्रोल वाल्व यहाँ पर जो फ्लूइड का प्रेशर है यानी कि हाइड्रोलिक प्रेशर है फ्लूइड का वो मेंटेन करेगा यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप ऑल्सो सोलेनोइड वाल्व को भी देख सकते हैं कि सोलेनोइड वाल्व जो है उसका मैं वर्किंग आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, और उसका यहाँ पर महत्वपूर्ण फंक्शन होता है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पावर स्टीयरिंग सिस्टम के साथ व्हीकल स्पीड सेंसर को भी जोड़ा जाता है, उसका भी फंक्शन जो है वो बहुत ही क्रूशियल है यहाँ पर पावर स्टीयरिंग मैकेनिज्म में, वो भी आपको मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा जब हम वर्किंग की बात करेंगे तभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पावर स्टीयरिंग सिस्टम जो है उसके साथ स्टीयरिंग एंगल सेंसर भी जोड़ा जाता है, और यहाँ पर स्टीयरिंग एंगल सेंसर का ये जो पार्ट है यानी कि राइट हैंड साइड के जो कनेक्शंस है वो आप इनपुट के ओर से लिख सकते हैं, यानी कि पावर स्टीयरिंग सिस्टम में से जो भी इनपुट आता है वो इस लाइन में आएगा, और स्टीयरिंग से एंगल सेंसर जो है वो यहाँ से फीडबैक भेजेगा। उसी तरह से सोलेनोइड वाल्व में भी इसी तरह का कुछ मैकेनिज्म होता है कि यहाँ पर ये जो लाइन है वो इनपुट लाइन है और दूसरी जो लाइन है वो फीडबैक लाइन है, यानी कि कंटिन्यूअसली फीडबैक जो है वो भेजा जाता है पावर स्टीयरिंग सिस्टम की ओर, क्योंकि जो है क्लोजली मॉनिटर करना होता है हमें हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग की जो पूरी की पूरी मैकेनिज्म है उसको, क्योंकि छोटी सी भी छोटी गलती जो है वो पावर स्टीयरिंग सिस्टम को फेल कर सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको एक और IMP क्वेश्चन भी यहाँ पर मिल सकता है कि फ्लूइड रिजर्वोयर में भरा हुआ जो फ्लूइड है यानी कि हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम में यूज़ होने वाला जो फ्लूइड है उसका ग्रेड क्या होगा, यानी कि कोई भी ऐसा भी फ्लूइड हम यूज़ नहीं कर सकते पावर स्टीयरिंग सिस्टम में, उसका कोई पर्टिकुलर एक ग्रेड होता है जो मैन्युफैक्चरर्स गाइडलाइन में दिया गया होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ ग्रेड आपको दिए गए हैं, SAE 5W और SAE 10W ग्रेड का जो फ्लूइड है वो यूज़ किया जाता है यहाँ पर हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम में। तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सारा का सारा कंस्ट्रक्शन समझ लिया, उसके बाद में हम इसका वर्किंग देखेंगे। तो इसका वर्किंग देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कोई भी ऑटोमोबाइल व्हीकल में इग्निशन की ऑन की जाती है यानी कि सेल्फ लगाते हैं हम किसी भी ऑटोमोबाइल व्हीकल में, तो क्या होगा कि इंजन जो है वो रनिंग कंडीशन में आएगा, इंजन रनिंग कंडीशन में आएगा और बैटरी जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगी पावर स्टीयरिंग सिस्टम में थ्रू इग्निशन की। तो यहाँ पर क्या होगा कि पावर स्टीयरिंग सिस्टम जो है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि पावर स्टीयरिंग सिस्टम का जो ECU है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके साथ जुड़ा हुआ ये जो इंजन के साथ जुड़ा हुआ पावर स्टीयरिंग पंप है, यानी कि जब भी हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो हमारा पावर स्टीयरिंग पंप जो है वो रोटेट होने लगता है, और पावर स्टीयरिंग पंप रोटेट होने की वजह से उसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है उसका प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है, और उसका मैक्सिमम प्रेशर कितना दिया गया है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जैसे ही पावर स्टीयरिंग पंप एक्टिवेट होगा तो फ्लूइड रिजर्वोयर में से यहाँ पर पंप जो है वो सक्शन करेगा फ्लूइड को, और फ्लूइड को सक्शन करने के बाद पावर स्टीयरिंग पंप उसका प्रेशर इंक्रीज कर देगा मैक्सिमम अप टू 14,000 किलो पास्कल, और यहाँ पर ये जो लाइन है उसमें से ये जो है वो फ्लूइड को आउटपुट देगा किस में, तो क्या फ्लूइड प्रेशर कंट्रोल वाल्व में, और फ्लूइड प्रेशर कंट्रोल वाल्व के बाद में ये जो यहाँ पर रैक एंड पिनियन असेंबली दी गई है उसमें यहाँ पर ये जो फ्लूइड है वो भेजा जाएगा। यहाँ पर जो एक्सेसिव फ्लूइड है वो फिर से क्या होगा कि फ्लूइड रिजर्वोयर में इस लाइन के थ्रू चला जाएगा। तो यहाँ पर ये जो क्लोज लूप है वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है कोई सी भी ऑटोमोबाइल व्हीकल में। तो यहाँ पर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन तो हमने पूरा का पूरा समझ लिया, पर राइट हैंड साइड के पोर्शन में यहाँ पर जो सोलेनोइड वाल्व है, स्टीयरिंग एंगल सेंसर है, व्हीकल स्पीड सेंसर है, उसका क्या महत्व है वो भी सीख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सोलेनोइड वाल्व की चर्चा करें तो सोलेनोइड वाल्व जो है वो एक प्रकार का मैग्नेटिक वाल्व है, और यहाँ पर सोलेनोइड वाल्व क्या करता है कि उसे एक ओरिफिस की असेंबली है उस पर रखा जाता है। आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जो फ्लूइड प्रेशर कंट्रोल वाल्व है वो एक प्रकार का ओरिफिस वाल्व होता है, और ओरिफिस वाल्व के ऊपर सोलेनोइड वाल्व को जो है वो रखा जाता है। तो यहाँ पर सोलेनोइड वाल्व क्या करेगा कि फ्लूइड का प्रेशर है वो इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, परंतु वो कैसे होगा? तो दोस्तों जैसे आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि प्रेशर जो है वो वेरिएशन लाने के लिए हमें मास फ्लो रेट में चेंजेस लाने होंगे, तो यहाँ पर जैसे ही मास फ्लो रेट में हम चेंजेस लाएंगे तो फ्लूइड का प्रेशर बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो यहाँ पर सोलेनोइड वाल्व जो है वो फ्लूइड का प्रेशर वेरी करेगा किसकी, फ्लो रेट को चेंज करने की वजह से जो। तो यहाँ पर सोलेनोइड वाल्व का एक मेन फंक्शन है फ्लूइड के फ्लो को रेगुलेट करना। उसके बाद में हम देखेंगे स्टीयरिंग एंगल सेंसर, यहाँ पर एक स्टीयरिंग एंगल सेंसर है उसके बारे में हम बात करें तो स्टीयरिंग एंगल सेंसर जो है वो कंटिन्यूअसली एंगल जो है वो भेजता रहेगा पावर स्टीयरिंग सिस्टम में कि कितना एंगल जो है वो हमारा स्टीयर हो चुका है, यानी कि हमने कितना जो स्टीयरिंग व्हील है उसको एंगुलर किया है, यानी कि अगर हमने पूरा का पूरा एक चक्कर जो है वो घुमा दिया है स्टीयरिंग व्हील का तो वो भेजेगा 360 डिग्री स्टीयरिंग व्हील जो है वो हमारा घूम चुका है, और उसकी वजह से
क्या होगा कि जो फ्लूइड का प्रेशर है उसमें भी थोड़ा सा वेरिएशन लाना होता है। और यहाँ पर व्हीकल स्पीड सेंसर का एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यहाँ पर क्या करेगा कि व्हीकल स्पीड सेंसर, दोस्तों अगर आपने कोई सी भी पावर स्टीयरिंग वाली कार चलाई है तो आपको पता चल गया होगा कि जब भी व्हीकल स्टेशनरी कंडीशन में होगा यानी कि पार्किंग कंडीशन में होगा तब जो है वो पावर स्टीयरिंग का एफर्ट रिड्यूस होगा यानी कि मिनिमम एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। परंतु जब भी आप स्ट्रेट हाईवे और या फिर नेशनल हाईवे रोड पर जाते हैं हाई स्पीड में, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए क्या होगा कि मैन्युफैक्चरर्स जो पावर स्टीयरिंग सिस्टम का ईसीयू है उसमें फीड कर देते हैं कि जब भी व्हीकल की स्पीड यानी कि जब भी व्हीकल की स्पीड लेट्स से 60 किलोमीटर पर आवर से ऊपर चली जाती है तो क्या होगा कि फ्लूइड का जो प्रेशर है वो क्या कर देगा, कम कर देगा। यानी कि फ्लूइड का प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा कि आपका जो स्टीयरिंग है वो आपको हेवी लगने लगेगा, यानी कि स्टीयरिंग में जो वेट आने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस, जो ड्राइविंग कॉन्फिडेंस है वो भी इंक्रीज होगा और कॉर्नरिंग कैपेसिटी है वो भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसकी वजह से व्हीकल स्पीड सेंसर का यहाँ पर खूब ज महत्वपूर्ण रोल है। तो दोस्तों ये बात थी हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम की। परंतु हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम के कुछ एक डिसएडवांटेज है, उसको ओवरकम करने के लिए फिर मैन्युफैक्चरर्स ने इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम भी सीख लेते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम सीखने के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया सरल ब्लॉक डायग्राम है उसको पहले समझ लेते हैं और उसके बाद में जो है वो उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग भी समझ लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम का अगर मैं कंस्ट्रक्शन समझाऊँ तो वो हाइड्रोलिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग के मुकाबले एकदम सिंपल है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग व्हील जो है वो आपका, उसके साथ में स्टीयरिंग कॉलम जोड़ा जाता है यानी कि स्टीयरिंग कॉलम रोड या फिर स्टीयरिंग कॉलम उसे आप कह सकते हैं। तो उसके ऊपर टॉर्क सेंसर जो है वो जुड़ा होता है। टॉर्क सेंसर का आपको वर्किंग जो है वो थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। और टॉर्क सेंसर के साथ डायरेक्टली ईसीएम जुड़ा जाता है। ईसीएम का अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊँ तो उसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल मॉड्यूल, या फिर उसे दूसरी भाषा में यानी कि कई लोग उसे ईसीयू के नाम से भी जानते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल मॉड्यूल है उसके साथ में डायरेक्टली जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर को जोड़ा जाता है। और इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो डायरेक्टली स्टीयरिंग कॉलम के साथ जुड़ी हुई जो स्टीयरिंग लिंकेजेस है उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। और ये जो स्टीयरिंग लिंकेजेस है वो आगे जाके रैक एंड पिनियन की जो असेंबली है, स्टीयरिंग असेंबली, उसके साथ जोड़ा जाता है। तो इसका अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें तो यहाँ पर मेनली हमें तीन पैरामीटर्स यानी कि तीन पार्ट्स देखने को मिलता है। एक तो है फर्स्ट टॉर्क सेंसर, सेकंड जो है वो है ईसीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल मॉड्यूल, और थर्ड जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मोटर। तो ये आपस में कैसे वर्क करते हैं और हमारा जो स्टीयरिंग एफर्ट है वो कैसे रिड्यूस होता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट, जब भी आप जो है वो कार ऑन करेंगे यानी कि आपका कार जो है वो ऑन हो चुका है, तो कार ऑन होने की वजह से ईसीएम में भी पावर आ जाएगा और टॉर्क सेंसर को भी पावर मिलने लगेगा बैटरी के थ्रू। तो यहाँ पर क्या होगा कि टॉर्क सेंसर जो है वो क्या भेजेगा, कंटिन्यूअसली स्टीयरिंग टॉर्क का जो फीडबैक है वो ईसीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल मॉड्यूल के पास भेजेगा। तो यहाँ पर जब भी आपने, मान लीजिए आपको जो है अपनी कार पार्किंग में से निकालनी है तो आपने थोड़ा सा स्टीयरिंग मूव किया, तो स्टीयरिंग जब मूव करते हैं तो उसके आप ऊपर टॉर्क लगाते हैं, ऐसा कहते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर टॉर्क जो है वो अप्लाई किया तो क्या होगा कि यहाँ पर टॉर्क सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा जब भी आप टॉर्क लगाएंगे स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो स्टीयरिंग टॉर्क है वो क्या करेगा, ईसीएम में भेजेगा। चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं कि लेट्स से आपने जो टोटल टॉर्क है वो स्टीयरिंग व्हील पर 10 न्यूटन इंटू मीटर लगाया है। तो ये जो 10 न्यूटन इंटू मीटर है वो अगर ईसीएम में ऐसे फीड किया गया है कि जो 50-50% का रेशियो है यानी कि 50% जो टॉर्क है वो आपको लगाना पड़ेगा और 50% जो टॉर्क है वो इलेक्ट्रॉनिक मोटर लगाएगी। तो यहाँ पर अगर हम 50-50% कर ले तो 5 न्यूटन इंटू मीटर टॉर्क जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मोटर लगाएगी और 5 न्यूटन इंटू मीटर जितना टॉर्क आपको लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा कि 50% जितना आपका स्टीयरिंग एफर्ट क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर लेट से 10 न्यूटन मीटर का यहाँ पर सिग्नल दिया गया है ईसीएम को जब भी आप स्टीयरिंग व्हील को चलाते हैं। 10 न्यूटन इंटू मीटर का अगर सिग्नल जाता है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो वोल्टेज सप्लाई कराएगा ईसीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल मॉड्यूल, किसको, इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर को। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मोटर जो है उसके हिसाब से टॉर्क जनरेट करेगी और वो जो टॉर्क है वो स्टीयरिंग लिंकेजेस में वो भेजेगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करते जाओगे इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर के ऊपर तो उसका जो टॉर्क है उसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और जब भी आप वोल्टेज को डिक्रीमेंट यानी कि उसमें डिक्रीमेंट लाओगे तो टॉर्क में भी हमें डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो ऐसे वर्क करता है कि वोल्टेज में इंक्रीमेंट यानी कि टॉर्क में इंक्रीमेंट, वोल्टेज में डिक्रीमेंट यानी कि टॉर्क में भी डिक्रीमेंट। तो
तो यहाँ पर क्या होगा कि जब भी हमें हाई पावर की यानी कि हाई टॉर्क की ज़रूरत होगी तो क्या होगा कि ईसीएम का जो सप्लाई वोल्टेज है उसमें हमें इजाफा देखने को मिलेगा। परंतु यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोटर के द्वारा भी कुछ फीडबैक भेजा जाता है फॉर कंटिन्यूअस ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम, यानी कि जब भी मान लीजिए कि एक्सेसिव वोल्टेज जो है वो सप्लाई हो चुके हैं, तो एक्सेसिव वोल्टेज सप्लाई होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर अभी ज़रूरत नहीं है उतने पावर की, तो क्या होगा कि जो वोल्टेज और करंट के फॉर्म में वो सिग्नल भेजेगा ईसीएम को यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, तो वहाँ पर क्या होगा कि सप्लाई वोल्टेज जो भेजी जा रही है उसमें भी जो है वो हमें डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल और मोटर जो है वो वोल्टेज और करंट के बीच में कंपनसेट करती रहती है एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअसली, तो हमें स्मूथ ऑपरेशन देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉनिक्स पावर स्टीयरिंग का। तो यहाँ पर मैंने आपको तीनों की तीनों जो मेन पार्ट्स थे यानी कि टॉर्क सेंसर, ईसीएम और मोटर सिंपल तरीके से आपको समझा दिए। तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पावर स्टीयरिंग सिस्टम आसानी से समझ में आ गया होगा। पर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम क्यों बेटर है हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम के मुकाबले, उसके कुछ रीजंस है वो आगे, तो वो चलिए सीख लेते हैं। सिंपल इन कंस्ट्रक्शन ड्यू टू देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ हाइड्रोलिक पंप। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मात्र और मात्र तीन पैरामीटर्स यानी कि तीन पार्ट्स है, टॉर्क सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल मॉड्यूल और मोटर, और यहाँ पर जो रिक्वायर्ड मैकेनिकल पार्ट है वो कितने हैं, लेस है कंपेयर टू हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम। तो यहाँ पर हाइड्रोलिक पंप जो भी है वो भी नहीं है, तो हाइड्रोलिक पंप न होने की वजह से उसका जो लुब्रिकेशन सिस्टम है वो भी देखना नहीं पड़ेगा, उसका जो मेंटेनेंस है हाइड्रोलिक पंप का वो भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा जो है वो सर्विस में कॉस्टली नहीं रहता है हाइड्रोलिक स्टीयरिंग के मुकाबले, और उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो भी सिंपल है, वो आपने ऑलरेडी देख लिया। यहाँ पर अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो स्टीयरिंग असिस्टेंट इज स्टिल अवेलेबल आफ्टर इंजिन इज नॉट वर्किंग। अगर आपने ध्यान से हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम को पढ़ा हो तो वहाँ पर मैंने कहा था कि जो फ्लूइड का प्रेशर है वो पंप जनरेट करता है, और पंप डायरेक्टली बेल्ट और पुली के साथ इंजिन के साथ कनेक्टेड होता है। तो जब भी आपका इंजिन कटआउट हो जाएगा यानी कि इंजन आप जब भी किल कर देंगे, इंजन ऑफ कर देंगे, तो वहाँ पर जो है वो प्रेशर इंक्रीज न होने की वजह से आपके जो हाइड्रोलिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग सिस्टम वो वर्क करना बंद कर देगा। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर जो है वो कंडीशन पूरी की पूरी उल्टी है, यहाँ पर कोई सा भी पावर जो है वो इंजन से कनेक्टेड नहीं होता है, तो इंजन बंद करने के बाद भी इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर उसके बाद में देखते हैं एनर्जी इज कंज्यूम्ड वाइल स्टीयरिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टॉर्क सेंसर है उसका काम क्या है कि जब भी आप स्टीयरिंग व्हील पर एफर्ट लगाएंगे तो टॉर्क सेंसर एक्टिवेट होगा, और टॉर्क सेंसर एक्टिवेट होने की वजह से वो ईसीएम को एक्टिवेट करेगा, और ईसीएम जो है वो डायरेक्टली मोटर को एक्टिवेट करेगी। जब भी आप स्टीयरिंग नहीं कर रहे हैं यानी कि आप चेंज नहीं कर रहे हैं डायरेक्शन ऑटोमोबाइल व्हीकल्स की, तब तक कोई भी एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम नहीं होगी। परंतु वहाँ पर क्या होगा यानी कि हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम में क्या होगा कि आपको स्टीयरिंग करना है या फिर नहीं करना है, आपको जो है वो पावर देनी ही पड़ेगी हाइड्रोलिक असिस्टेड पावर स्टीयरिंग सिस्टम को। उसके बाद में देखेंगे लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग मैनुअल स्टीयरिंग देन दी हाइड्रोलिक स्टीयरिंग। चलिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि आपके पास दो कार है, उसमें एक में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है और दूसरे में जो है वो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम है, दोनों सेम मॉडल है कार के। तो यहाँ पर क्या होगा कि किसी भी कारणों से अगर हम दोनों के जो पावर स्टीयरिंग सिस्टम है उसको बंद कर देते हैं तो क्या होगा कि जो मैनुअल एफर्ट लगाना पड़ेगा ड्राइवर को वो जो है वो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम में ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर जो असेंबली लाइन है यानी कि मैकेनिकल पार्ट्स है वो ज़्यादा है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग के मुकाबले। तो इसकी वजह से जो फ्रिक्शन है उसमें भी हमें इजाफा देखने को मिलेगा, और उसकी वजह से यहाँ पर मैनुअल स्टीयरिंग जब भी हम करते हैं दोनों की कंपैरिजन करते हैं तो हमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग में ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग मैकेनिज्म। उसके बाद में जो है वो लास्ट पॉइंट रीड कर लेते हैं, नो फ्लूइड लीकेज प्रॉब्लम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का फ्लूइड पावर पंप नहीं है और किसी भी प्रकार का फ्लूइड रिजर्वोयर नहीं है, तो यहाँ पर फ्लूइड को जो लीकेज प्रॉब्लम है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गेन हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।